अब आ रही है कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें माताएं कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिंदूर का दान देती है। सौभाग्य वस्तुएं टीकी बिंदी चूड़ी आदि आदि चीजों का सिंदूर, तो सौभाग्य की वस्तु का जो दान होता है उसको हमारे यहां सुहागन नारी के लिए महादान कहा गया है। स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है, सिंदूर दे दो, कुंकू दे दो, बिंदी दे दो, सौभाग्य मेहंदी दे दो, मिथुनी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्य की नारी को सौभाग्य की वस्तु दे। सबसे पहला कार्तिक पूर्णिमा पर सिंदूर का दान किसने दिया था? राधा जी के महल में एक सुंदर रत्ना रहती थी, सुंदर, जिसका नाम था रत्ना। बड़ी सुंदर सखी थी महाराज। समझ लेना कि कार्तिक पूर्णिमा पर सौभाग्य वस्तुओं का दान क्यों है और सबसे पहले किसने दिया। राधा जी के महल में एक रत्ना आया करती थी, और राधा जी के जो वस्त्र होते थे उनको धोना, साफ करना, और राधा जी की जितनी मंजरियां होती थी, सखियां होती थी, सबका वस्त्र ले जाना, साफ करना, धोना, उनको लेकर आना, फिर उसको घड़ी कर कर रख कर। रत्ना का नित्य नियम, महल से आती, वस्त्र लाती, फिर लेकर चली गई, और 24 घंटे जितना समय वस्त्र धोती, जितने समय वस्त्र का साफ करती, उतनी देर राधा नाम का स्मरण करती रही। प्रतिदिन राधा जी के वस्त्र धोना, मंजरियों के वस्त्र धोना, सब एकत्रित कर साफ कर, घड़ी बना, स्वच्छ कर, महल में। आज रत्ना ने क्या देखा कि जब वस्त्र रखने के लिए गई ना, तो राधा अकेली बैठी थी, अकेली। वस्त्र रखा, जाने लगी, राधा जी ने बुलाया, ए रत्ना इधर आओ जरा। रत्ना जी बोली, हाँ राधा। महारानी बोलो क्या बात है। रत्ना मेरी जितनी सखियां है ना, जितनी मंजरियां है, सारी तेरी बड़ाई करती है। क्या कपड़े धोती, क्या भजन गाती, क्या कीर्तन करती, क्या स्मरण करती, 24 घंटे जपती रहती, तेरे बारे में बहुत सुना। तू रोज महल में आती है, अटारी में आती है, पर मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती। मैं बड़ी प्रसन्न हूं रत्ना, मांग तुझे क्या चाहिए, बोल। रत्ना बोली, आज कार्तिक की पूर्णिमा है, दीपदान के लिए मैं जा रही हूं, मैं क्या मांगू तुमसे, बस देना हो तो कुछ ऐसा दो जो आज तक आपने किसी को ना दिया। अब राधा चक्कर में पड़ गई, अब किसी को ना दिया हो वो रत्ना को देना है। कितने चतुर, अगर देखा जाए ना तो चतुरता इसको ही कहते हैं। जो तुमने किसी को ना दिया हो वो मुझे दे दो। राधा जी ने कहा, दो मेरे पास में जितनी सामग्री है मैं सबको दे देती हूँ, सोना चांदी हीरा पन्ना रतन आभूषण वस्त्र माणिक मोती महल अटारी, जो मांगता है उसको दे देती हूँ। पर तू बड़ी गजब है, कपड़े साफ कर कर लाती है और आज कर रही है कि
वो दो जो किसी को ना दो अभी तक। राधा जी ने अपनी मांग में से सिंदूर निकाला और रत्ना की मांग में लगा दिया। आज तक मैंने काना को किसी को नहीं दिया पर तुझे दे दिया। मांग के सिंदूर को निकालकर राधा अपनी सखी रत्ना जो वस्त्र धोती है उसकी मांग में डाल देती है। सब कुछ बांटा मैंने पर कृष्ण को नहीं बांटा, पर तेरी भक्ति ऐसी है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर मैं तुझे क्या दूं, बस यही मांग का सिंदूर देती। तो ऐसे बर को क्या वरो जो जन्मे और मर जाए, बर बरू मारा सावरा तुम्हारा चूड़ा अमर। बस राधा कहती है मैंने एक को नहीं बांटा, बाकी का सब कुछ बांट दिया। सोना दिया, चांदी दी, हीरा दिया, पन्ना दिया, आभूषण दिए, वस्त्र दिए, रतन दिए, माणिक दिया, मोती दिया, सोना दिया, चांदी दिया, अंबारियां दी, अटारियां दी, गाड़ी बंगला जो मांगा सब दिया। पर तू ऐसी मिली जिसने कहा जो तूने किसी को नहीं दिया वो मुझे दे दे। बस वो एक ही है जिसका मैंने किसी को नहीं, केवल एक है मेरे पास में जो मैं किसी को नहीं देती। और राधा जी ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर रत्ना की मांग में दे दिया। ये रत्ना कार्तिक पूर्णिमा का केवल एक दिन स्कंद पुराण में लिखा है, जरा अच्छे से पढ़िए का कार्तिक खंड, स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है, सिंदूर दे दो, कुंकू दे दो, बिंदी दे दो, सौभाग्य मेहंदी दे दो, मिठूरी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्य की नारी को सौभाग्य की वस्तु दे।